हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पे आज हम करने वाले हैं इनसाइट ऑप्शन, जहां पे दोस्तों आपको मिलता है स्मार्ट लुकअप। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्मार्ट लुकअप क्या होता है और इसका किस लिए यूज किया जाता है। बेसिकली दोस्तों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए ब्रीफली, लाइक मैं बात करूँ विकिपीडिया पे, तो आप गूगल पे जाते हो और फिर वहां से सर्च करते हो। लेकिन स्मार्ट लुकअप की मदद से आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे अगर कोई भी चीज लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं जो आप देख पा रहे होंगे, अब्राहम लिंकन, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, तो अगर मैं चाहूँ मैं इस पे सेलेक्ट करके अगर स्मार्ट लुकअप करता हूँ तो मुझे इनकी इमेज के साथ साथ इनका पूरा जो भी डेटा है वो मुझे यहीं पे मिल जाएगा, मुझे गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे अब्राहम लिंकन को सेलेक्ट करो और स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करो। आप नोटिस करोगे कि साइड में यहाँ पे इनसाइट हो रहा है, जिसमें इनकी कुछ इमेजेस शो हो रही हैं और इनकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप मोर पे क्लिक करते हो तो इन्हीं की डिटेल्स आपको ब्रीफली मिल जाएंगी। और नीचे आप चाहो यहाँ पे वेब सर्च में अलग अलग विकिपीडिया का सेक्शन दिया हुआ है और भी दिया हुआ है, तो जो भी आप चाहें वो आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों, अगर यहाँ पे और भी हम यहाँ पे कुछ सर्च करना चाहें, नरेंद्र मोदी हमने सेलेक्ट किया, स्मार्ट लुकअप करते हैं, सेम उसी तरीके से छोटी सी लोडिंग होगी यहाँ पे और आपके पास कुछ इमेजेस और उनका जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है या डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम लाइक हम डोनाल्ड ट्रंप पे ट्राई कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, स्मार्ट लुकअप किया, आप देखेंगे कि उसी तरीके से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का भी जो इमेजेस हैं और उनका जो डेटा है विद विकिपीडिया आपको नीचे ऑप्शन में यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हमने मोर पे क्लिक किया और आप देख पा रहे हो डोनाल्ड ट्रंप विकिपीडिया करके जो भी आपको चाहिए वो सारी बायोग्राफी एक्सेट्रा जो भी चीजें उनसे रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों और काफी ज्यादा यूजफुल है। तो यहीं से आप सारी चीजों पे एक्सेस कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी डेटा वहां जाके फिर कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे मिल गया तो यहीं से कॉपी करो, यहीं पे पेस्ट कर दो। तो आई होप कि दोस्तों टूल बार आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।